लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का सेशन हमारा फोर्सेस में बेसिक चीजों को लेकर होने वाला है, तो मैं बहुत सारी चीजें बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपको फोर्सेस में आपको आईडी पर नाम कैसे सर्च करें, आप स्ट्रक्चर कैसे चेक करें और आप स्टेटिक्स कैसे चेक करें, साथ साथ में आप पार्टनर्स की आईडी कैसे चेक करें। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ और साथ साथ में मैं आज आपको एक ऐसी प्लानिंग बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपका जो आज का काम है ना वो ऑटोमेटिकली 10x होने वाला है। तो मुझे पता है कि हर एक लीडर सीखने के लिए आया है यहाँ पे, तो जो भी लीडर सीखना चाहता है तो प्लीज सेशन के एंड तक रहिएगा। सेशन के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें होगी जो मैं क्लियर करूंगा, बहुत सारी चीजें होगी जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो गाइस आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में आपको बहुत बेहतरीन चीजें बताई जाएगी, तो आप सभी लोग सेशन के एंड तक रहिएगा और जिनको नहीं सीखना वो अभी प्लीज सेशन को क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हैं जो सीखने के लिए बैठे हैं लेकिन उनको अभी सीट नहीं मिल पा रही। तो आप सभी से निवेदन है अभी सेशन में आए तो आप एंड तक रहना। हाँ, तो कोई भी को-होस्ट एक बार मुझे बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? जी सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग फोर्सेस में जानते हैं कि फोर्सेस के अंदर हम लोग बहुत सारे लीडर्स की आईडी ओपन करते हैं। जैसे मैं आपको आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लीडर्स की आईडी ओपन करते हैं तो उनकी आईडी पे उनका नाम लिखा होता है, ये होता है, उनकी फोटो लगी होती है, उनको ये सब कुछ ऑप्शन होता है। तो आप ये सब कुछ कैसा सेट कर सकते हैं वो चीज आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा, और साथ साथ में जो इनके पार्टनर्स हैं, इनके पार्टनर्स में कितनी टीम है, किनकी कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, और इनकी आप कैसे इनके साथ में प्लानिंग करके आप इनकी टीम बना सकते हैं, जैसे 95 लोगों ने मिलकर इतनी टीम बनाई, तो सारी के साथ डिस्कस आज सभी के साथ में किया जाएगा। तो आप सभी लोग चीजों को ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा सर के आईडी पे नाम लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है, सभी जो अच्छे से वर्क करे हैं, जिनको चीजें पता है, सभी के सभी नाम लिख रखा है। जिनकी अभी तक नाम नहीं लिखा, बहुत सारे नए लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पुरानी भी हो सकते हैं, जिनको अभी तक नहीं पता कि आईडी पे नाम कैसे लिखा जाता है, फोटो कैसे सेट करनी होती है, क्या क्या इसमें आपको सेट करना होता है, वो चीजें आपके साथ में आज डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत सारे आईडीज पे नाम होता है, तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके पास में जो ट्रस्ट वॉलेट है इसमें आपको सबसे पहले आपके आईडी को लॉगिन करना है, और जो नए साथी हैं मैं उनको और बताता हूँ आईडी लॉगिन कैसे कर सकते हैं आप लोग। आईडी लॉगिन करना बहुत आसान है, आपको सर्च करना है forces.io आपको सर्च करना होता है। इसमें आपको थ्री डॉट के पास में गोल चक्कर में जो सिंबल है इथेरियम का, इसको चेंज करके आपको स्मार्ट चेन करना है। जब भी आप आईडी ओपन करते हैं, जब भी आप स्लॉट ओपन करते हैं, सही आप किसी की आईडी ओपन कराते हैं, तो आप सभी लोगों को ये जो स्मार्ट चेन का होता है, जो पहले इथेरियम का होता है, उसको आपको चेंज करके स्मार्ट चेन में करना होता है, बीएनबी स्मार्ट चेन में। तो ये सिंबल होता है, हम लोग अपनी भाषा में समझे, तो इसको आपको हमेशा चेंज करना है जब भी आईडी ओपन करते ना, तो ये एक अपनी हैबिट में ऐड कर लीजिएगा जी। ठीक है, तो उसके बाद में आपको आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करना आप सभी को अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता नए लोगों को, वो चीज इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। आईडी लॉगिन आपके सामने हो जाती है, आपके सामने साइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आईडी आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी आईडी ओपन होती है। ठीक है, आपकी आईडी में जो आपका नाम लिखा है, ये नाम, ये आपको चेंज करके बताया जाएगा, और आपको नहीं पता, जिनको नए लोग है, जिनको पता नहीं कि आईडी में नाम कैसे चेंज करता है, उनको भी चीजें बताई जाएगी। तो आप सभी लोग चीजें ध्यान से देखिएगा। देखिए आपकी जो आईडी नंबर है, इसके सामने आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। सेटिंग के ऑप्शन पे आपने जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको एक ऑप्शन आएगा फोटो का, यहाँ पे फोटो में आपके 2 MB के अंदर अंदर आपकी फोटो होनी चाहिए, जीपी, ये सब कुछ उसका कंडीशन होनी चाहिए। कहने का मतलब मेन चीज है तो 2 MB के अंदर आपकी फोटो होनी चाहिए। अभी जो आपके फोन से जो फोटो खींचते ना, उसकी जो साइज होती है 2 MB से ज्यादा होती है, तो उसी फोटो को आप कर सकते हैं गूगल पर जाके, आप थोड़ी सी इसकी जो साइज होती है MB होती है वो आप कम कर सकते हैं, तो वहां से इसको कम करके फोटो को आपको अपलोड करना होता है। जैसे मैं आपके सामने अपलोड करता हूँ, ये अपलोड है मेरी फोटो, इसको दूसरी साइड पर अपलोड करके दिखाता हूँ।
चलिए हम लोग दूसरी फोटो अपलोड करके देखते हैं। इसकी साइज है 2 MB के अंदर होगी तो ये अपलोड हो जाएगी। हाँ, इसकी साइज 2 MB के अंदर है तो ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई, एक मिनट करके फिर से करता हूँ। इसको ऐसे करना होता है, निकनेम में आपको नाम डालना होता है, लेकिन नाम डालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी है सारा आठ अक्षर के अंदर अंदर होना चाहिए। आठ अक्षर के अंदर अंदर आपका नाम सेट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का नाम नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोगों का, अब मेरा नाम है परमेश्वर, पूरा नाम लिखूंगा तो मुझे पता है नाम पूरा नाम नहीं आएगा। इसके सामने ये नाम मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे सेव नहीं होगा, ये निकनेम देखो 10 से ऊपर चला गया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको आपको शॉर्ट नाम लिख के रखना है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा मेरे शॉर्ट नाम में ये लिखता हूँ, तो शॉर्ट नाम लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सेव करना बहुत आसान है, ये चीज से आपको लगभग समझ में आ चुका है। जीमेल इसमें ऐड करना जरूरी नहीं है, टेलीग्राम का ऐड करना कोई जरूरी नहीं है। आप ऐड करना चाहो तो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, नाम आपका चेंज हो चुका है, एक मिनट। फोटो सेट नहीं हुआ इसका, वापिस से शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन अभी आपको देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फोर्सेस के अंदर भी लेवल दिए गए हैं। जैसे आपको बाकी जो कंपनी होती है जिसमें आपको डायमंड सिल्वर होता है गोल्ड होता है, उसी टाइम से आपको फोर्सेस के अंदर आपको इसमें दी गई है कि आप इसमें लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, यदि आप अभी ब्रॉन्ज में हो तो आपकी 3 ID अभी तक आप फोर्सेस के अंदर आपके डायरेक्ट लगी है ना, तो आप ब्रॉन्ज में हो। यदि आपके पास में, यदि आप सिल्वर में हो तो आपके पास में कम से कम 25 ID लगी है, तब आप सिल्वर के अंदर आ चुके हो। यदि आपके अभी 50 से ऊपर ID है तो आप गोल्ड में हो। मैं तो अभी गोल्ड में हूँ। एक बार हम लोग चेक करते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग ऐसे, एक बार हैंड डाउन कर देते हैं, हम लोग चेक करते हैं हमारे साथ में कितने क्या लोग हैं। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक 3 ID से नीचे ID लगी हुई है, 3 ID है कम। प्लीज सभी के सभी लोग सेशन में आ जाएगा, जिनके 3 ID लगी है केवल, वो ब्रांच में अभी। तो आप सभी लोगों को अभी क्या करना है कि आज मैं आपको एक टारगेट देने वाला हूं सभी के साथ में, कि आप लोगों को अभी क्या करना है कि अभी जाना है कि यदि आज आप ब्रांच में हो तो आप सभी लोगों को एक टारगेट लेना है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे सिल्वर में पहुंचना है, 25 डायरेक्ट करना है। यदि आपको ये भी कम लगता है कि मुझे गोल्ड में जाना है तो उसके लिए आपको 50 ID लगानी है। तो कितने लोग हैं जिनकी 3 ID अभी, okay? आप सभी लोग अभी ब्रांच में हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सिल्वर में, कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिल्वर मतलब 25 ID तक लगी है उनके साथ में, 25 ही लोग ज्वाइन ओनली डायरेक्ट में, क्या बात है। तो आप सभी लोगों को आज एक टारगेट लेना है कि मुझे बहुत जल्द गोल्ड तक पहुंचना है, बहुत जल्द गोल्ड तक पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके, चाहे मुझे 1 महीने से कम टाइम में। आप सभी लोगों को 1 महीने का टाइम मिल रहा है, 25 अगस्त हो चुका है, 25 सितंबर को आप सभी लोगों को पूछा जाएगा। तो अभी कितने लोग ऐसे हैं जो अभी गोल्ड पे पहुंच चुके हैं, जिनके 50 डायरेक्ट हो चुके हैं, जिनके 50 डायरेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं, मैं भी हूं उसमें से। क्या बात, केवल 11 लोग ही है जिनके 50 लोग कंप्लीट है, जो गोल्ड में पहुंचे अभी तक। ओके, काफी सारे लोग हैं जो पहुंच चुके हैं। ओके गाइस, 1 महीने आप सभी लोगों को मैं जो नेक्स्ट टारगेट दे रहा हूं, 1 महीने का आप सभी लोगों के पास में टारगेट है कि आप लोग गोल्ड में पहुंचना चाहते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आने वाले 1 महीने के अंदर गोल्ड में पहुंच जाएंगे, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो आने वाले टाइम में
गोल्ड तक पहुंच जाएंगे कि मेरे पास में 50 डायरेक्ट कंप्लीट मेरे हो जाएंगे। गाइस मेरे तो 95 डायरेक्ट है, मैं गोल्ड से ऊपर जा चुका हूँ। बहुत सारे लोग है जिनके 95, 90, 80, 85 लोग डायरेक्ट में बैठे हैं। आप सभी लोगों को हम लोग स्क्रीन शॉट लेंगे, आपको 25 सितंबर को सभी से मिलने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं। जो टारगेट हम लोग देते हैं उस पर क्या पता आप लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीजें आप सभी के क्लियर होनी चाहिए। तो आज आपको सभी को अच्छे से बताया जाएगा कि आपको इस पे कैसे काम करना है, कैसे आप इसमें बना सकते हैं, कैसे डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेशन में आप सभी लोगों को डेली चीजें सिखाई जाती है, आज आपको और सिखाई जाएगी, आगे भी आपको सिखाते रहेंगे। तो 200 लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक। आप सभी लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों को हमारा सपोर्ट रहेगा, आप सभी लोगों को हम लोग इस तरीके से एजुकेट करते रहेंगे। आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके गोल्ड तक पहुंचिए और आपका भी नाम गोल्ड तक पहुंचाइए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मेरा भी नाम गोल्ड तक पहुंच चुका है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहुंच चुके हैं। जैसे एक मिनट, यहाँ तक पहुंच चुके हैं काफी सारे लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मेरे 95 है, मैं गोल्ड से ऊपर हूँ ना। तो आप लोग भी ये टारगेट कंप्लीट करके पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे नेमरा सर भी पहुंच चुके हैं, इनसे ऊपर है, EIT बाकी है, इनकी भी बाकी है। तो काफी सारे लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जैसे मैं आपको और भी IIT दिखाता हूँ जिनके 50 से ऊपर कंप्लीट है। ये देखिए इनके पास भी कंप्लीट है, इनके पास में 50 से ऊपर है, काफी सारे लोगों के पास में कंप्लीट हो चुके हैं। एक चौथी नहीं, ये तो 100 प्लस है, 100 प्लस इनके पास में हो चुके हैं। इनके प्लान के पास में देख लो, 87, 17। हमारे रामदेसुर की आईडी देख लो, 85 लोग डायरेक्ट है। तो कहने का मतलब काफी सारे लोगों ने अपने गोल्ड को अचीव करके वहां तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके पहुंचिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पे कैसे काम कर सकते हैं। उनसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपकी टीम से कैसे काम करवा सकते हैं, जो डायरेक्ट में है इन लोगों से बड़ा बिजनेस कैसे करवा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं आपको आज एक चीज बताने वाला हूँ। प्लीज जिनके पास में नोटबुक नहीं है, प्लीज नोटबुक उठा लीजिए, पास में पड़ी है, नहीं तो आपके फोन में जाके आपका पर्सनल व्हाट्सएप है उसमें जाइए, या आपका किसी अपलाइन उनके पास में जाके ये चीज सेंड कर दीजिएगा ताकि आप नोटबुक में नोट कर ले। तो आप सभी लोगों को आज एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना है। ओके गाइस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा सभी के सभी। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, सेकेंड आपको ID नंबर लिखना है, थर्ड उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, फोर्थ उनका लोकेशन लिखना है कि कहाँ से। ये चार चीज आपको लिखनी है, ये चीज आपको बनानी है केवल आपके डायरेक्ट के, ये चीज आपको बनानी है आपके डायरेक्ट के। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे मान लीजिए आपके साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैं अपने डायरेक्ट के लोगों को देखो, साथ साथ में उनके ID नंबर भी लिख रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखना, मैं आपको देखो जैसे संदीप जी है, इनके ID नंबर पे मैंने ID नंबर लिख लिया। जो मेरे साथ में मेरे डायरेक्ट के लोग है, इन सभी की मैंने उनके नाम के साथ में मैंने उनके ID नंबर लिख लिया। इससे क्या होगा, पहली बात कि आपको जो इनकम कहाँ पे गई है, कैसे गई है, वो चेक करने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ID नंबर पता चला कि इसके पास में इनकम ये यहाँ से गई है, तो आप उनको तुरंत कॉल कर सकते हैं कि सर आपके पास में इनकम आई है, तुरंत आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं, आप उनको नेक्स्ट लोड भी अपग्रेड करा सकते हैं। जिसका एक चीज ये हो गया, सेकंड चीज ये हो गई कि काफी सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता कि नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना है या नहीं करना। तो आपके पास में ID नंबर होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हर 6-7 दिन बाद में जो आपने नोटबुक में ID नंबर लिख रखी है आपके डायरेक्ट की, सभी की ID ओपन करके चेक करो। जिनको नेक्स्ट स्लॉट खोलने की जरूरत है, उनको नेक्स्ट स्लॉट खोलने की, आप बताओ कि आप नेक्स्ट स्लॉट खोलो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्लॉट फ्रीज हो जाता है, जिनका फ्रीज पिछले वाला लॉक हो जाता है लेकिन नेक्स्ट ओपन नहीं कर पाते। तो आप सभी लोग उनको बताइए कि आप नेक्स्ट स्लॉट ओपन करने के लिए आप ये काम कीजिए, नहीं तो आपको इस स्लॉट से इनकम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको एक ID दिखाता हूँ, अब देखो वैसे मेरे डायरेक्ट के हैं, एक मिनट, अब देखो इनके पास में मतलब इनको पता ही नहीं रहा स्लॉट कैसे अपग्रेड हो, क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं रहे, हमारे कॉन्टेक्ट में रहे, तो इनको बहुत बार चीजें समझाई लेकिन इनका आज देखिए
पूरा का पूरा रेट पड़ा है, पूरे स्लॉट में इनका रेट पड़ा है, क्योंकि इनको मैं जो चीजें इनको बताई इनको अच्छी नहीं लगी, इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो कोई बात नहीं, आज इनकी टीम से लोग आए, आज इनके पास में 4000 की टीम बनी है, फिर भी इनको पता नहीं था ये चीजें, पावर पता नहीं था कि हमारी टीम में इतने अच्छे लोग आ सकते हैं, हमारे साथ जा सकते हैं। आज दो दो तीन तीन स्लॉट खोल के बैठ गए, इनकम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे चीजें आप क्लियर कर सकते हैं लोगों के साथ में। पहला कि आप उनके आईडी ओपन कर चेक कर सकते हैं कि इनकम कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है, तो आप उनको बता सकते हैं। और सेकंड बात कि आप उनको नेक्स्ट स्लॉट ओपन करने की जो जरूरत होती है वो आप बता सकते हैं। जैसे ये चीजें होना बहुत जरूरी है, इससे आपका और आपके जो डायरेक्ट के लोग है इनका बिजनेस ग्रोथ होने में कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या करता हूँ कि मेरे साथ में कोई भी ज्वाइन हुआ, उस बंदे को सबसे पहले क्या करता हूँ, उसका आईडी नंबर, उसका आईडी का स्क्रीनशॉट लेके उसके नंबर के साथ में उसके आईडी नंबर सेव कर लेता हूँ। सेकंड में नोटबुक बना रखा है, नोटबुक में गया, उसका नाम लिख दिया, उसके आईडी नंबर लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया कि कहाँ से। ये चीज मुझे पता रहेगी कि इस लीडर के पास में इनकम जा रही है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लॉट ओपन करा सकता हूँ, इससे मैं आगे वाले अपडेट भी मतलब इसको बता सकता हूँ कि इस स्लॉट से आपको ये फायदा है, आप ये स्लॉट ओपन कर सकते हैं, इससे ये बड़ी इनकम हो सकती है। ये चीजें आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, साथ साथ में उनको आप ये भी बता सकते हैं कि इस लेवल से आप प्लानिंग करते हो तो आप ये सब कुछ हो सकते हैं। वो चीज उनको बताइए कि आपकी टीम के साथ में आप डुप्लीकेशन कीजिए, अपने टीम को बताइए, वहां से भी आप चीजें क्लियर कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि बड़ी इनकम कहाँ से आती है, कैसे आती है, कि हम लोग बड़ी इनकम के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ आईडी है जो बहुत अच्छे लेवल पे इनकम कर रही है, काफी सारे लोग डरते हैं कि यार हम लोग बड़े स्लॉट ओपन करें या नहीं करें, क्योंकि जब तक आप बड़े स्लॉट ओपन नहीं करेंगे जब तक आपको बड़ी इनकम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको काफी सारी आईडी दिखाता हूँ एक बार, हाँ आप देखिएगा, आप सभी लोगों को मैं ध्यान से देखिएगा, सभी मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए, जिनका माइंड सेट होता है, जिनको पता होता है कि हम लोग फोर्सेस के अंदर एक बार इन्वेस्ट कर देंगे और अच्छी इनकम लेंगे, तो वही लोग अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। अभी देखिए, पैसा आप सभी को पता है फोर्सेस के अंदर एक बार लगाना होता है। अभी हमारे साथ में विनोद जी थे, बहुत अच्छे लेवल पे प्लानिंग की थी। आज आप देखिएगा 29 लोगों की टीम बनी है, 10 लोग डायरेक्ट है, 8000 प्लस डॉलर की इनकम कर चुके हैं। तो कहने का मतलब हम लोग INR की बात करें तो 6 लाख रुपए तो कम से कम बनता है इनके पास, 6 लाख रुपए की प्लस इनकम कर चुके हैं 29 लोगों की टीम में। काफी सारे लोग हमारे साथ में सेशन में बैठे हैं जिनके पास में इनसे भी डबल की टीम हो गई, 60 लोगों को 70-80 लोगों को टीम हो गई, लेकिन वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक पहुंच गए। वो चीज कैसे की, इन्होंने क्या किया कि जो मैंने चीज इनको बताई वही चीज उनको फॉलो किया, 10 लोगों को एजुकेट किया, 10 लोगों को पावर बताया नेक्स्ट स्लॉटों का, बड़े स्लॉटों को पावर बताया, तो आज इनके 29 लोगों की टीम बनी और 10 लोगों ने मिलकर इनके साथ में 6 लाख इनकम दी। काफी सारे लोग ऐसे जो 1-1, 2-2 लाख इनकम कर रहे हैं, तो सारे के साथ चीजें पॉसिबल इनके साथ में तभी हुआ। जस्ट आप इनके देखिएगा जाके स्लॉट्स कितने ओपन है, X3 में 3, X4 में 5, त्रिपक्स में 7-8 और इसमें 11-12 स्लॉट्स। तो यहां से इनको वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम भरपूर आई है, जितने बड़े स्लॉट होंगे उतनी बड़ी इनकम आती है। अब आप इस चीज ध्यान से देखिएगा सभी के सभी लोग कि अभी इनके इनकम है 6 लाख रुपए। अब इनके अपलाइन की हम लोग आईडी जब ओपन करते हैं तो इनके पास में $475 है, मतलब 30,000 रुपए, 40,000 रुपए लास्ट होंगे इनके पास में, 30-40,000 रुपए कमा चुके हैं, लेकिन इन्हीं का डाउनलाइन आज इनसे 20 गुना ज्यादा इनकम कर चुका है, 6 लाख रुपए की इनकम कर चुका है। तो ये सारे की सारी चीजें पॉसिबल तब है जब आप पे अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं, अपलाइन जैसे बोलते हैं चीज पे काम करते हुए आप सिस्टम में आगे बढ़ते हैं तभी पॉसिबल है। आज विनोद जी ने हमारी बातें मानी, आज 8,000 डॉलर की इनकम कर चुके हैं, 6-7 लाख रुपए की। इनके अपलाइन ये चीजें नहीं मानी तो आज इनके देख लीजिएगा 40-50 हजार की इनकम है। यदि यही चीज मानते हैं तो आज इनके पास में भी 6 लाख की इनकम होती है, क्योंकि इनका डाउनलाइन 6 लाख रुपए कमा चुका, तो ये तो कमाता ना, ये चीज भी कमा सकता था, लेकिन इनको क्या लगा कि हम लोग फोर्सेस में बड़ी इनकम नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि फोर्सेस में 1,000-2,000 रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आज इनके डाउनलाइन को पता था कि फोर्सेस आज 1,000-2,000 का नहीं है, 50,000-1,00,000 रुपए का कमाने का नहीं है, 1 करोड़ रुपए कमाने का फोर्सेस है। तो उन्होंने बस डायरेक्टली अपलाइन को बोला कि सर हम लोग कर रहे हैं बिजनेस से, आप करते हैं तो अच्छी बात है। अपलाइन ने बोला सर हमें बड़ी इनकम लेना नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं फोर्सेस पे, तभी उनके साथ में उनका विश्वास सट गया ना।
तो वही चीज है। तो अभी देखिए इन्होंने स्लॉट्स ओपन किए, वहां से इनको इनकम आई, बहुत अच्छी लेवल पे आई, वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम अच्छी खासी आई। अब देख लो टोटली वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम है इनके पास में, टोटल नॉन वर्किंग इनकम है। अभी आप देखो पार्टनर्स इनके पास में जीरो आ रहा है, लेकिन जब इनकम आई है इनके पास में टोटल नॉन वर्किंग आई है, पूरा का पूरा स्लॉट भर के खाली हो चुका है। अब देखो आपके सामने एक भी पार्टनर्स इनके डायरेक्ट नहीं है, एक भी। आप किसी भी आईडी ओपन कर लो जिनके पास में है, जैसे मेरी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, एक बार देखना मैं ट्रिप्लेक्स का ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। अब देखो हमारे साथ में लोग आए यहाँ पे, तभी तो हमें यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम आई ना। देखो यहाँ पे दो लोग आए मेरे डायरेक्ट के, उनकी टीम आई तो नॉन वर्किंग आई है। यहाँ पे हमारे 27 लोग आए, 44 लोग आए, तभी नॉन वर्किंग आई है ना। लेकिन उनकी आईडी हम लोग जब ओपन करते हैं, जब हम उनकी आईडी ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स आपको जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो भी इनको नॉन वर्किंग इनकम आई। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम दोनों आपको सिंपल तरीके से जबरदस्त लेनी है, तो आप बड़े स्लॉट्स ओपन कीजिए। आप घबराई नहीं, मैं देखता हूँ बाकी लोगों को, हम लोग बोलते हैं सर स्लॉट ओपन कर लो कि सर हमारे यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और जिनको बोलते हैं सर ओपन कर लो करते और उनको प्रॉफिट देखो कितना हो रखा है, इन्होंने लगाए उससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा कमा चुके हैं। तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन आपको आपके प्लान की चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, आपके प्लान को बातों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी खासी नॉन वर्किंग इनकम हो रखी है, अच्छी खासी नॉन वर्किंग तभी है जब इन्होंने बड़े स्लॉट ओपन किए। अब यहाँ पे देख लो टोटल नॉन वर्किंग आ रखे, टोटल नॉन वर्किंग है। तो आप भी अच्छे से कर सकते हैं, बस अप्लायंस को की गई चीजों को फॉलो करें, आपके पास में भी इससे भी बेहतरीन आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें आप सभी की क्लियर की कि आईडीपी नाम कैसे चेंज करें, आपको जो आपके डायरेक्ट में लोग हैं उनको आप सभी लोग नोटबुक में उनका नाम लिखिए, उनके आईडी नंबर लिखिए और उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके सोर्स सब कुछ लिखिए। और जैसे ही आप 6-7 दिन में फ्री होते हैं, 6-7 दिन में इन सभी की आईडी चेक कीजिए, जिनको आगे बढ़ाना है उनको आगे बढ़ाइए, जो काम नहीं करते उनको पीछे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम काम करके अच्छे लेवल पे अच्छी इनकम कर सकते हैं। आज हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम करें, ये सारा का सारा चीज पॉसिबल है कि जो चीज हम उनको बताते हैं वो चीज वो फॉलो करते हैं। आपको भी फॉलो करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है हम लोग सेशन में आपको सिखा रहे हैं उस चीज को बस सीख रहे हैं लेकिन उस चीज पे काम नहीं करें, तो आप उसी लेवल पे आज बैठे हैं। आपको अच्छी इनकम करनी है तो सीख, जो चीजें बताई गई उसको सीखो, उस पर काम करो, तभी पॉसिबल है। अपलाइन कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा डाउनलाइन का भलाई चाहेगा। तो आप लोग ये चाहते हैं कि मेरे अपलाइन अच्छे से मुझे सपोर्ट करे, अच्छी इनकम हो और मैं अपलाइन की गई चीज को फॉलो करूँ, तो आप डेफिनेटली फोर्सेस के अंदर बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। और जस्ट मैंने आपको नाम चेंज करने का बताया, आप सभी लोग आईडी पे नाम लिख लीजिएगा ताकि प्रोफेशनल रखे और आपके अपलाइन को बता रहे कि आईडी नंबर किसकी। तो आई होप हर एक लीडर्स को बहुत सारी चीजें समझ में होगी। तो अभी हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ में बहुत सारे होस्ट है, हम लोग उनको सुनेंगे, फिर सेशन को हम लोग हैंड ओवर करेंगे हमारे मेंटर्स को। तो चलिए गाइस अभी हमारे साथ में कुछ बहुत सारे होस्ट है, हम लोग उनको सुनते हैं। प्लीज कोई भी एंट्रेंस ना कीजिए। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, हमारे साथ में बहुत अच्छे लीडर्स है, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, चित्रसेन साहू सर है। चित्रसेन साहू सर आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जी 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 सर, वॉइस क्लियर, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम चित्रसेन साहू है और मैं धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। सर यहाँ पर आपने जो सेशन दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ सभी पर्सन से कि सभी पर्सन ने आपकी ट्रेनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से सुना होगा और अपने बिजनेस में सभी लोग अमल भी करेंगे। सर मैं एक चीज यहाँ पे एड ऑन करना चाहता हूँ, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए? जी हाँ, कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे अधिकतर पार्टनर्स ये पूछते हैं कि सर हमारे नीचे हमने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया तो क्या होता क्या है कि हम ये चीज पूछते हैं अपने अपलाइन सर से कि सर पहला और दूसरा जो पोजीशन होता है X4 का आखिर वो जाता किसको है। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि मैं अपलाइन हूँ और मेरे नीचे अगर किसी डायरेक्ट पार्टनर ने अपने नीचे किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो वो पैसा मुझे नहीं मिलता, तो आखिर वो जाता कहाँ पे है? मैं आप सबको दिखा देता हूँ, जस्ट एक मिनट गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आईडी ओपन हो चुकी है
और मैं अपना X4 का मैं स्लॉट ओपन करता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए मेरा पहला जो पोजीशन है जिसमें आईडी नंबर है 1287-94 और दूसरा जो पोजीशन है उसमें है 44-13-65। ये जो दो पोजीशन का पैसा है, ये दो पोजीशन का पैसा मुझे नहीं मिलता है, मेरे ऊपर अपलाइन या फिर क्रॉस लाइन को जाने वाला होता है। होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि पहला और दूसरा जो पोजीशन होता है ये हमारे अपलाइन को जाएगा, लेकिन गाइस अधिकतर ऐसा होता नहीं है, ये जो पैसा होता है क्रॉस लाइन को चला जाता है। सपोज मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं अपने अपलाइन सर की आईडी ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे अपलाइन सर का जो आईडी है ये ओपन हो चुका। एक मिनट गाइस देखिए, मेरी आईडी नंबर आप थोड़ा सा याद रखिएगा 1174-03, उसके नीचे है 1287-94। अगर मैं इसका पैसा कहाँ पे गया है ये चीजें मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना अपलाइन सर का आईडी ओपन किया, देख लीजिए अपलाइन सर के स्लॉट में मेरी कहीं पे आईडी नहीं दिख रही है। आपको क्या करना है, साइकिल जो लिखा हुआ है उसके साइड में 49 लिखा हुआ है, 49 को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप मेरी आईडी नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1174-03 मेरी आईडी है। मैं अपने अपलाइन सर के स्लॉट में दूसरे पोजिशन पे हूँ और ये जो 1287-94 है ये मेरे अपलाइन सर के तीसरे पोजिशन पे है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ये जो मेरा पहला नंबर डायरेक्ट था मेरे स्लॉट में, इसका जो पैसा है मेरे अपलाइन सर को गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो आईडी है मान के चलते हैं दूसरे लेवल पे रहे, मेरी जो आईडी है मेरे अपलाइन सर के स्लॉट में दूसरे पोजीशन पे रहे, उस केस में क्या होगा, मान के चलते हैं कि ये वाली जो आईडी होती है ये मेरी आईडी है और इसके नीचे अगर आता है 1287-94 तो इनका जो पैसा होता है दोस्तों ये इस पर्सन को जाने वाला होता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन कौन है ये बात मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये जो पर्सन होते हैं ये मेरे अपलाइन सर के क्रॉस लाइन से होते हैं। बस ये छोटी सी चीज मैं आप सबको बताना चाह रहा था क्योंकि हमारे अधिकतर पार्टनर्स यही सवाल करते हैं। सो बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और हाँ एक चीज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ अगर हमारे पास में समय है तो, दरअसल मैं आप सबको ये चीज बताना चाह रहा था कि अभी आप लोग फोरसाज बिजनेस में काम कर रहे हैं और हमारे जो नए पार्टनर्स होते हैं उनके लिए काफी टफ होता है टेक्निकल चीजों को सीखना। तो दोस्तों आप सबको बता दूं ये कोई हवा नहीं है जिसको आप सीख ना सकें। और अभी अगर आप नए नए इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो आप सबको यही चीज बता दूं कि इस बिजनेस में आपको स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है फोरसाज बिजनेस में कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैं तो पहले स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, मैं पहले सारी चीजें सीख जाऊंगा, समझूंगा, उसके बाद में अपने काम को स्टार्ट करूंगा, दोस्तों वो 6 महीना साल भर तक बिजनेस को समझने में ही लगा देते हैं। तब तक सामने वाला जो पर्सन होता है, कोई दूसरा पर्सन होता है, वो अपनी अपलाइन की बातों को मानता है और 2-4 लाख रुपए कमा चुका होता है, उसके बाद में उसको फोरसाज का बिजनेस समझ में आता है। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट बनने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास में होने चाहिए और आप अपनी अपलाइन के गाइडलाइंस में रह करके काम कीजिएगा, बाकी आपकी टीम बहुत ही आसानी से बनने स्टार्ट हो जाएगी और आपको भी पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सर और थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू सो मच चेतन साहू सर। अब देखिए गाइस, एक मेरे पास में एक आईडी नंबर आई थी, अभी जस्ट मैं एक बार फिर से आपको 1 मिनट का टाइम लूंगा, वो चीज को ओपन करके देखूंगा। देखिए जो आपको नॉन की इनकम आती है वो कहीं से भी आ सकती है, तो आपको इसीलिए बोला जाता है बड़े स्लॉट ओपन करो। जस्ट मैं आपको आईडी ओपन करता हूँ, हाँ गूगल पे जाता हूँ सीधा। कुछ छोटी इनकम नहीं है, 5,000-2,000 रुपए की इनकम नहीं है। जस्ट हमारे साथ में है, इनकी आईडी नंबर है 4825। आप सभी लोग ध्यान से देखेगा है ना, और इनको एक बार जो नॉन वर्किंग इनकम आई थी, यहाँ से देखेगा जो नॉन की इनकम आई थी 640 BHT की आई थी, मतलब हम लोग INR की बात करें मोटा मोटा 50,000 रुपए। अब इनको ध्यान से देखेगा, इनके अपलाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये है राजेंद्र जी सर की आईडी। ठीक है, अभी राजेंद्र सर की आईडी है, अब उसको जो नॉन वर्किंग इनकम आई है परसान जी को वो आई है, एक मिनट रुकना फिर से आपको आईडी ओपन करता हूँ, 4825 थी, कितने हो गए ऊपर तक 8 लेवल। ठीक है, ये चीज में क्यों क्यों बताएंगे, अभी आप देखेंगे चौकन्ना हो जाएंगे। इनको जो एक दिन की जो 50,000 रुपए की इनकम आई है वो ध्यान से देखिएगा कहाँ से आई है। अब मैं इनकी आईडी ओपन करता हूँ 53-27, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 10 और 11 हो गए ना। देखिए इनकी यहाँ पे मान लीजिए राजेंद्र अकेडमी, ये इनके लेग पे बैठे हैं 8 नंबर पे 48-25, और इनके लेग से राजेंद्र जी की उस लेग से जो 10 नंबर पे बैठे लेडीज है इनको इनकम आई है 50,000 रुपए। दिमाग काम नहीं करता भाई, पैसा कहीं से भी आ सकता है, किसी भी को पैसा ना कहीं से जा सकता है। मैं मानता हूं कि इनके लेग से कहीं से आ सकता है, लेकिन इनके लेग से कैसे पॉसिबल है? ये सारा का सारा फोर्सेस में पॉसिबल है। जो लोग सोचते हैं कि हमें बड़े स्लॉट ओपन करें क्या फायदा है, ये फायदा आप देख लो, कहीं से भी इनकम आ सकती है, तो घबराए नहीं है। जितना जल्दी हो सके 5 स्लॉट 6 स्लॉट कंप्लीट करके रखो, आपको ऊपर से भी कहीं से भी इनकम आ सकती है। राजेंद्र जी नहीं, मिस्टर लाडो के कई लेग से भी आपको इनकम आ जाती है, ये देख लो आपके सामने पड़ा है। इधर से 8 लेवल है, उधर से 10 लेवल के नीचे से जाके इनकम आई है, इधर से ऊपर गई है, इधर से नीचे आके यहाँ से इनकम इनको आई है। ये पॉसिबल कैसे? सब कुछ देखो कौन सी लेके क्या है। मैं क्या कहता हूँ, ये इस आईडी वाले लग जाए ना रात दिन एक ने इनका नंबर निकाले, मुश्किल से इनके पास में नंबर मिलेंगे, कॉन्टेक्ट नहीं एक दूसरे से, फिर भी इनकम आ रही 50,000, 10,000, 20,000, 50,000, सब कुछ पॉसिबल है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग 5 स्लॉट कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, तो अभी हमारे साथ में बहुत सारी और भी लेडीज है, तो अभी हमारे साथ में एक मैम है, ममता मैम है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप आइए, अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे से बेसिक नॉलेज दिया आपने, एक एक चीजें क्लियर की और बहुत अच्छा टॉपिक बताया है। सर हमारा बेसिक ही नहीं मजबूत होगा तो मुमकिन सी बातें कुछ अभी नियम कर पाएंगे। तो जो भी लीडर्स अभी नेम वगैरह नहीं डाल पाते या नहीं डालते तो प्लीज डाल लें, क्योंकि फोर्सेज में बड़ा अच्छा लगता है ये देखते हुए कि इस नेम के बंदे ने इतनी इनकम ली है। तो अपना नेम भी बना के रखिए, यहाँ अपनी आईडी के मालिक आप खुद हैं, तो ये सबसे पहला काम कर लीजिए। जैसा कि सर ने आज बताया, अपना नाम और अपना एक पहचान, जो अपने फेस अच्छा एक भगवान ने दे रखा वो भी लगा लीजिए आईडी पर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से बताया। और हर एक मेंबर्स को मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हमारे न्यू लीडर्स हैं, न्यू मेंबर्स हैं और ओल्ड हैं, हर किसी को मैं ये कहूंगी, जो भी आपके साथ में आता है, ज्वाइन होता है, उसको सपोर्ट कीजिए, जितना सिखा पाते हैं सिखाइए। बाकी 2 बजे का सेशन होता है, मॉर्निंग का सेशन होता है, हर एक सेशन को अटेंड कीजिए, लर्निंग कीजिए, लर्निंग पर फोकस करेंगे, अर्निंग होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ में बहुत अच्छे लीडर है राजस्थान से, मोती सेन सर है। मोती सेन सर प्लीज आपका स्वागत है, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, यस यस, हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए गाइस अभी हमारे साथ में नेक्स्ट लेडीज को हम लोग इनवाइट करते हैं, सर की वॉइस प्रॉपर नहीं है। विशाल जी सर है, विशाल जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए 5 स्टार। हाँ मिस्टर विशाल जी सर आपका स्वागत है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे बोलने का मौके दिया। वॉइस प्रॉपर से मेरी? यस यस आपकी वॉइस प्रॉपर से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दोपहर की जूम वेबिनार में सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों मेरा नाम विशाल लोधी है और मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटोर, जो हम सभी के मेंटोर हैं, मिस्टर रामदेव सर, नीमराज सर, जो हमें पर जो है पल पल पर अपना उंगली पकड़ कर चलाते रहते हैं, एक एक चीज हमें बारीकी से बताते रहते हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपको भी बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। सभी साथियों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अपना जो भी काम होता है, जिस भी काम को करने से पहले हमको उसके बारे में सीखना होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का काम हो। जैसे बता दूं मैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए सभी साथियों से मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि हमेशा सीखते रहिए और सीख कर ही लोगों को सिखाते रहिए। और एक हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का एक जो लोगो है, एक जो हम कहते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन के माध्यम से पूछो कैसे, और बीच में नहीं
नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे, इस प्रकार अपना लोगो चलता रहता है कि अपलाइन से पूछते जाओ और नीचे बताते जाओ और बीच में पैसे बनाते जाओ। तो धन्यवाद सर, अभी मैं थोड़ा गाड़ी में हूँ इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ओके थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ में बहुत अच्छे लीडर्स है राजस्थान से, गजानन जी सर। गजानन जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच परमेश्वर। मेरी वॉइस प्रॉपर है परमेश्वर? जी 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 थैंक यू सर। सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डियर लीडर्स, अभी परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें क्लियर की, बेसिक नॉलेज आपको दिया और आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि आज जो सर ने बताया ना वो बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है कि जहाँ से अपन को शुरुआत करनी होती है, आईडी स्टार्टअप से लेके ओन आईडी ओपन करने से लेके आपको बेसिक चीजें ये बताई। और दूसरी चीज सर ने जो चीजें बताई उससे में बताई कि यहाँ से हमारे को बड़ी इनकम किस तरीके से लेनी है। सर ने जो चीज बताई कि हमें अपने जो लेवल है वो हमें बढ़ानी चाहिए, हमें बड़े सलोटों का जो बड़ा धातु हमें देखना है। तो सर ने अभी बताया कि हमें 5-5-6-6 लेवल तक जाना है और बड़ी इनकम करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा जो मैसेज यहाँ देना चाहूंगा, बात बताना चाहूंगा कि मान लो आप 6 लेवल तक हो और आपको 1 या 2 लेवल या 3 लेवल तक इनकम नहीं आ रही है, और मान लो आपको 6वें लेवल अकेले में इनकम आ गई, तो आपने जितना कुछ लगाया ना अकेला 1 लेवल आपकी पूरी की पूरी कसर निकाल देगा। तो अपने को यही करना है कि हमें बड़े लेवल तक जाना है तो बड़ी इनकम करना तभी मुमकिन होगा, क्योंकि जब हम पहले लेवल या दूसरे लेवल में बैठे हैं और हम सोच रहे हैं यार 50,000 रुपये एक दिन का आना है तो वो मुश्किल है। और बाकी जो बेसिक चीजें सर ने बताई है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके आज का जो सेशन दिया, इसके लिए मैं आपको अगेन थैंक यू करना चाहूंगा और आगे का सेशन आप कंटिन्यू करिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हमारे साथ में बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे साथ में एक मैम है, खुशी मैम है। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। खुशी मैम प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। ओके थैंक यू सर। प्रोफेसर सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली सर आपने बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया जो कि हमारे लीडर्स को और छोटी छोटी चीजों का मतलब हमेशा ज्ञान रहेगा और छोटी छोटी चीजें सीखने को भी मिली है, और मैं इस सेशन से काफी कुछ सीखती हूँ सर। और सर आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सर थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ में एक और मैम है, बहुत अच्छे लेवल की प्लानिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। कुंतन मैम है, माय मैम का शॉर्ट नाम, प्लीज मैम अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर नमस्कार, मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है सर? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड आफ्टरनून सर, सभी सर को मैम को, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। दोस्तों माई सेल्फ है कूटन है, बेसिकली मैं वेस्ट त्रिपुरा से हूँ, और आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा इसमें काम करके ओनली 2 महीना हुआ है, और 2 महीने में जैसे मैंने फर्स्ट दिन जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया हूँ, रात 1 बजे मैंने ज्वाइनिंग किया हूँ, अगले दिन से मेरा अपलाइन सबसे पहले जो परमेश्वर सर है उनकी जो यूट्यूब का जो वीडियो है उनकी जो नॉलेज है पूरी की पूरा अच्छे तरीके से मैंने अटेंड किया। आज सर ने जिस तरीके से जैसे एक इंसान का कैसे आईडी खोलना है, कैसे नेम डालना है, कैसे यानी कि हमारा जो प्रोफेशनल तरीके से काम को किस तरीके से करना चाहिए सारी की सारी बताया है। तो मैंने अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं थी, और साथ के साथ को भी फोर्टेस का एप भी मुझे नहीं पता था कि एक फोर्टेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, आप नया हो या पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे ना तो आपके साथ बड़ी सारी साथ यानी कि बहुत सारा लोग यानी कि आपके साथ जुड़ेगा। और मेरे खुद के बारे में बात करूं, मैंने अभी तक 11 डायरेक्ट कर लिया हूं इसी काम को करते करते, अभी भी करूंगी और आगे भी करूंगी। बट और एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत सारा लोग यानी कि सोचते हैं कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है। आज मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, ये जो एग्जांपल है यानी कि मान के चलिए आपकी घर में एक ताला है, यानी कि ताला में सॉरी सर आप कंटिन्यू कीजिए। चलो थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। चलिए अभी हमारे साथ में एक लेडीज है, बहुत अच्छी लेवल की प्लानिंग करते हैं, डायमंड
बहुत अच्छे। रोहित जी सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इसके लिए कि आज का सेशन बहुत ही कमाल करा। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार बता देंगे? जी जी सर कंटिन्यू कीजिए, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोहित चौधरी और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन पिछले 9 महीने से मैं फोरसाज में वर्क कर रहा हूँ। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 7 साल से कर रहा हूँ और आज तक मैंने कभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा था जो आज प्रैक्टिकली फोर्सेज में सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। जब मैंने फोर्सेज स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि इससे पहले जिन भी कंपनियों में मैंने काम किया था वहां पे मैंने तो पैसा कमाया क्योंकि मैं तो अपर लेवल पे पहुंच चुका था, लेकिन जो मेरे साथ में टीम थी, मेरे साथ में जो बिजनेस पार्टनर थे वो लोग पैसा नहीं कमा रहे थे। लेकिन आज फोर्सेज में बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि आज मैं अगर इनकम कर रहा हूँ तो मेरी टीम भी इनकम कर रही है, मेरे सभी बिजनेस पार्टनर इनकम कर रहे हैं। किसी ने टीम बनाया, किसी ने नहीं बनाया, लेकिन टीम बनाने वाला भी पैसा कमा रहा है, नहीं बनाने वाला भी पैसा कमा रहा है। तो ये फोर्सेज के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और अगर आज भी आपको फोर्सेज समझ में नहीं आया तो फोर्सेज में इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 100% पे आउट अगर आपको फोर्सेज दे रहा है तो इससे बढ़कर के आपको कोई सिस्टम नहीं दे सकता है। तो आप सभी लोग फोर्सेज को प्रॉपरली समझिए। आज सर ने बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज हमें दी है और ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आज आपको बड़ी सारी ट्रेनिंग क्लासेस सुनने को मिलती हैं, सेशन चलते रहते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2 बजे का सेशन नहीं चलता था, सुबह और शाम को ही सेशन चलता था और उन्हीं सेशन से मैं सीखता था और मैं यूट्यूब पे जाकर के सीखता था, पर्सनली अपने अपलाइन से सीखता था। लेकिन आज आपको डेली के डेली हर चीज सीखने को मिलती है। तो बस आप सभी लोग ना सीखने के साथ साथ में एक चीज और फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी सभी लोगों ने ये कहा कि सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में एक चीज और ऐड कर लीजिए, सीखने के साथ साथ में उसके ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो जाएगी और अगर नॉलेज होने के बाद आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क कीजिए, आपके पास बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। और फोर्सेज में 2 तरह के लोग पैसा कमा रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट इतना लगाने पे फोकस कर दो, अगर 1000 डायरेक्ट आप कर दोगे तो आपको आपके नीचे सैकड़ों लीडर निकल के आ जाएंगे, और अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अगर आप 1000 डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 20 50 डायरेक्ट 100 डायरेक्ट जितने आप कर पा रहे हो उन्हीं लोगों को लीडर बनाना शुरू कर दीजिए। जितने ज्यादा लीडर आपकी टीम के अंदर डेवलप हो जाएंगे उतनी बड़ी इनकम आप करेंगे और आपकी टीम के अंदर जो भी लीडर है वो सभी लोग इनकम करने वाले हैं। बाकी समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगा, आगे का सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा परमेश्वर सर को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड सो दोस्तों देखिए सभी लेडीज ने बहुत सारी चीजें क्लियर की। अभी हमारे साथ में आरपी कुशवाहा सर है, प्लीज सर आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सो मच परमेश्वर सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया एंड आज का सेशन बहुत ही कमाल का लिया आपने, बहुत ही लाजवाब रहा कि बेसिक अपने को होना चाहिए। जैसे कि सभी कोस्ट बार बार बताते हैं कि अपने आईडीज पे नेम होना चाहिए एंड खुद का फोटोज वगैरह होना चाहिए, एंड जो भी सेशन में बताया जा रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा। सो सभी लीडर से यही कहना चाहूंगा कि जो भी सेशन आपको मिलता है उस सेशन को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी लीडर्स आपको गाइड करते हैं प्रॉपर उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप खुद एक दिन अपने टीम में सेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट यहाँ पे अपन एक्टिविटी करने के बाद हो जाते हैं, राइट। सो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी सारे कुछ लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और थैंक यू सो मच सर, परमेश्वर सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ फिर से एक बार इनवाइट करेंगे मोती जी सर, प्लीज। चलिए, इनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। सो गाइस हमारे सेशन से बहुत सारी चीजें हर एक लेडीज की क्लियर होती है। मुझे पता है कि 25 सितंबर तक हमारे साथ में गोल्ड तक पहुंचने वाले कम से कम 200 लोगों ने एंट्रीज किया। मुझे पता है कि सभी के सभी लोग पहुंचेंगे। आप सभी लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आप सभी लोग मेहनत कीजिए, आपकी टीम के साथ में प्लानिंग कीजिए, और मेन चीज है हमेशा अपनी टीम का भला करना सोच लो। आपके पास में तो अच्छी खासी इनकम आने से कोई नहीं रोक सकता। अपना प्रॉफिट साइड में छोड़ दो, आज आप ये सोच के काम करें ना फोर्सेस के अंदर,
कि भाई मुझे पैसा कमाना है तो आप नहीं कमा पाओगे। आज आप एक चीज सोच के काम करना स्टार्ट कर दो आज से कि मुझे अपने टीम में लोगों को पैसा कमाना है, तो लिख के दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो गाइस मिलते हैं कल शाम, कल आफ्टरनून में 2 बजे आप सभी के साथ में। थैंक यू।